नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज पर। देश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया करवा रही हैं। इस सब्सिडी के अनुसार रोटावेटर खरीदने पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसका मतलब है कि किसानों को रोटावेटर की आधी कीमत का भुगतान करना होगा। इस वीडियो में आपको रोटावेटर पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, रोटावेटर पर सब्सिडी कैसे मिलती है और रोटावेटर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं रोटावेटर पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें। यदि आप किसान हैं और अपने खेतों के कामों के लिए रोटावेटर खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि विभाग में आवेदन करके आप रोटावेटर की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार आपको रोटावेटर खरीदने में सहायता करने के लिए यह सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। इससे आप आसानी से रोटावेटर खरीद कर अपनी खेती के कामों को प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। रोटावेटर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों की अपनी खुद की कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। इस योग्यता को पूरा करने के बाद किसान आसानी से अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर रोटावेटर की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा वे कृषि विभाग के कार्यालय, गाँव के ई मित्र केंद्र, CSC केंद्र और अटल सेवा केंद्र पर जाकर भी रोटावेटर पर सब्सिडी हेतु ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि रोटावेटर पर सब्सिडी कैसे मिलती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश के किसानों के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, जिसमें किसानों को खेती के लिए आधुनिक कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने के लिए रोटावेटर पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे ऐसे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह रोटावेटर खरीदने में असमर्थ थे, अब सरकार की कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत रोटावेटर सब्सिडी पर ले सकते हैं। इसके साथ ही रोटावेटर खरीदने पर सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि जिन किसानों के पास कृषि के लिए जमीन होगी वही किसान इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरा, एक परिवार का एक सदस्य ही इस सब्सिडी का लाभ उठा पाएगा। रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए किसान का बैंक खाता होना और साथ में बैंक खाते के साथ आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है। तीसरा, ऐसे किसान जिन्हें रोटावेटर पर सब्सिडी का लाभ पहले मिला है वह किसान समय अवधि से पहले दोबारा रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। चौथा, अगर आपके राज्य में कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण की सूची में जो रोटावेटर शामिल किया गया है तो आप केवल उसी रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी शर्तों को पूरा करके आप रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में शामिल है किसान का आधार कार्ड, जमीन से संबंधित कागजात, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, किसान का पहचान पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, जमीन की जमाबंदी की नकल और रोटावेटर सब्सिडी ऑनलाइन फॉर्म आदि डॉक्यूमेंट्स आवेदन के लिए जरूरी हैं। ऐसी और भी जानकारी से परिचित होने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ।